स्वागत है लाइव इंटरव्यू विथ राहुल कुमार में। आप आज हमारा पहला एपिसोड देख रहे हैं जिसमें हमारे साथ डुमड़ा निवासी ऋतिक वर्धन जी है। ऋतिक वर्धन जी, बहुत बहुत आप स्वागत है अपना धन्यवाद कीमती समय हमें देने के लिए। ठीक धन्यवाद। है, और ये रहा मेरे सवालों का पुलिंदा जो मैं अब आपसे पूछने वाला यस हूँ। यस यस, ठीक है, बहुत तैयारी की है मैंने इसको लेकर हाँ पूछिए। के। तो सबसे पहले तो हम आपको धन्यवाद देते हैं। ठीक है, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो सीतामढ़ी की तरफ से राहुल कुमार जी मुझे बुलाए हैं इंटरव्यू के लिए लाइव, वो भी फर्स्ट, पहली बार। और ये हमारा पहला एपिसोड है, खास बात यही है। और पहले एपिसोड में आपने बुकिंग किया जी और हाँ, आपको मौका मिल गया। अगर आप लोग भी इसके लिए मैं अपने बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूँ सीतामढ़ी लाइव को और ख़ास करके राहुल कुमार को, जो सीतामढ़ी लाइव को ऊपर तक पहुँचाने की बहुत पूरी कोशिश की है। थैंक यू। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। ठीक है, मैं हमारा पहला सवाल यही है कि सबसे पहले आप ये बताइए कि आप जो क्षेत्र से आते हैं डुमड़ा, वो ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा वो हाँ, वो है ग्रामीण ना, क्षेत्र में ग्रामीण आता क्षेत्र है। है। तो हमने देखा है कि सीतामढ़ी में हमने खुद महसूस किया, हम भी जाते हैं बराबर कवरेज के लिए, देखते हैं कि वहाँ की इंटरनेट स्पीड काफ़ी अच्छी नहीं रहती है। जी वहाँ नहीं, इंटरनेट के बारे में गाँव में लोग जानते भी बहुत कम जानते भी कम है। है ना। तो ऐसे माहौल में आपने कैसे सोचा कि मुझे इंटरनेट के बारे में सीखना है, जानना है, वो वेबसाइट को डेवलप करने तक का आपने जो तरीका सीखा है वो कैसे हुआ? देखिए, मैंने ये शुरुआत बहुत कठिनाइयों से की है। ठीक है, से पहले तो मैं क्या किया था कि पहले ये आता था GPRS करके आता था हाँ, कुछ, GPRS आता था, GPRS टू जी जिसको, सेवा से हाँ नीचे टू का जी होता है टू वो। जी टू जी से नीचे का होता है उसको, जी उसमें वो वेब सिस्टम होता हुआ करता था, वो क्या बोलते हैं, वो जावा फोन सपोर्टेबल रहता था। ठीक है, तो वहीं से मैंने स्टार्ट किया। मुझे कुछ आता नहीं था, मेन बैलेंस पे ही दौड़ा देता था, नहीं कट जाता था, तो बहुत हमने भी डांट भी बहुत बार सुनते थे। बचपन में हाँ दौड़ाए हाँ हैं। तो वही होता था धीरे धीरे करके, बस इसी कारण से मैं सीख गया। और सबसे बड़ी कारण ये है कि क्या बोलते हैं, जब मैं छोटा था तो मुझे कार्टून देखने का बहुत ज़्यादा शौक था। ठीक है, तो मुझे लगता था कि क्या पता जब मैं बड़ा हो जाऊँ तो कहीं ये सारा कार्टून ही ख़त्म ना हो जाए, फिर मैं दोबारा इसको कैसे देखूँ। तो फिर कहीं से पता चलता था कि स्कूल से या फिर कहीं से पेपर वगैरह पढ़ते थे खूब, तो उस समय बहुत पढ़ता था मैं पेपर, तो पता चला कि एक इंटरनेट नाम की कुछ चीज़ होती है जिस पे आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी सर्च किया जा सकता है। तो मैं उस टाइम सर्च करता था, तो वो चीज़ जो चीज़ मुझे टीवी पे दिख रही है वो तो मिल नहीं पाती थी, लेकिन कुछ कुछ ज़रूर मिल जाती थी। और ऐसे ही कर करके मैं सीख लिया, और सीखते सीखते तब से मैं कार्टून ही नहीं देखता था। कार्टून के ऊपर कुछ ऐड चलते थे, जैसे एक साइट आता था cartoonnetwork.com करके आता था, तो मैं वो खोलने लगा ऐसे ही करके। पहले तो सबसे बड़ी बात है कि गूगल के बारे में मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था, उस समय याहू हुआ करता रहा। ठीक है, और याहू हुआ करता था, तो मैं याहू का भी हेल्प नहीं लिया। याहू का हेल्प सिर्फ मैं इमेज सर्च करने के लिए लेता था, मुझे ये भी नहीं पता था कि कैसे सर्च होता है, फिर भी मैं कर लिया करता था। अच्छा, वेबसाइट बनाने की दुनिया में आप कैसे आए, मतलब वेबसाइट बनाना कहाँ से सीखा आपने? वेबसाइट बनाना, मैं सबसे पहले तो पहले वेबसाइट बनाया। ठीक है, वेबसाइट जिसको बोला जाता है, जो किसी और साइट का वो डोमेन लेकर के बनाया जाता है, जैसे कि एक वेबका करके आता था, जिस पे मैं सोच रहा था कि मेरा भी कुछ हो साइट वगैरह, तो उस सर्च कर कर के कुछ सर्च कर कर के और करता था, तो वो साइट बनाना सीख गया थोड़ा। अच्छा चलिए, ये जी तो रही आपकी बात। अब हम आते हाँ हैं अपने असली मुद्दे पे। जी, बोलिए। सबसे पहले हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि एक छात्र होने के नाते और हाँ अभी तो बिल्कुल नौजवान है, ठीक है, तो इसके नाते आप जो अभी वर्तमान में जो अभी नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, हाँ, नरेंद्र मोदी की जी सरकार सरकार तो है, तो उसको आप है ही। मतलब कैसे देखते हैं? आप सरकार से संतुष्ट है? आपको लगता है कि हाँ सरकार ठीक काम कर रही है? क्या आपका अब विचार है? बात रही नरेंद्र मोदी जी का, भला उनसे कौन, मोदी जी सिर्फ नहीं, मोदी मोदी जी सरकार, पूरा सरकार, गवर्नमेंट के बारे पूरा में। गवर्नमेंट, हाँ हाँ उनसे भला कोई नाराज कैसे रह सकता है, वो सरकार तो आखिर सरकार ही है। अच्छा, तो आप ये फिर हम भी मैं ये नंबर वगैरह की बात आप कर रहे हाँ थे अभी नंबर क्या? वगैरह की मैं बात कर रहा था। ये बात हाँ, है कि 10 में से आप कितना नंबर देंगे अगर देना के लिए कोई बोले दस तो? में से मैं तो टोटल नंबर दूंगा, बट एक पॉइंट थोड़ा कम करूंगा, कुछ है इसके पीछे राज, मैं सभी बताऊंगा के जरूर। अपने अपने होते हाँ, हैं, होते हैं। ठीक है, चलिए। भारत सरकार का एक कौशल विकास योजना जो जी है हाँ वो युवाओं के लिए काफ़ी हाँ महत्वपूर्ण कदम बताया गया है इस केंद्र सरकार जी का, ठीक है, तो इसके बारे में आप क्या रखें और
मतलब क्या आपको लाभ मिला इससे? एक्चुअली मुझे इससे कोई लाभ अभी नहीं मिला है, ना कोई अभी कंप्यूटर टेक्निकल इंस्टीट्यूट में कभी गया हूँ। जो भी कुछ किया खुद से किया हूँ, ट्राई कर करके, वो भी मोबाइल बेस्ड करके कंप्यूटर से, तो इस सेवा का लाभ तो नहीं मिला। लेकिन ये सेवा बहुत ही अच्छी सेवा है और लाखों लोगों को मिल रही है, और सही में इससे प्रॉफिट तो हो ही रहा है, सबको हो रहा है। बट कहीं से सुनने में आया है कि मतलब सर्टिफिकेट वगैरह का थोड़ा लोचा हो जाता है। सर्टिफिकेट वगैरह का वो तो 3 महीने 90 दिन का कोर्स है, टाइम लगता है फिर मिल जाता है। अच्छा, ऐसा है। लेकिन हाँ, इससे जॉब भी मिल जाता है स्टूडेंट को। चलिए अब हम आते हैं राज्य स्तरीय मुद्दे में। क्या आपको क्रिकेट में इंटरेस्ट है? नहीं, मुझे क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं है। नहीं तो आपके लिए क्वेश्चन ही नहीं है। बिहार में जो वर्तमान सरकार है, जी हाँ, जी नीतीश जी की सरकार, आप जानते हैं हमारे नीतीश कुमार जी बहुत चर्चित मुख्यमंत्री में से एक है, देश दुनिया में उनका नाम चल रहा है, तो काफ़ी दिन से सत्ता में भी है। तो वो जैसे आप जानते हैं कि पहले बीजेपी के साथ थे, फिर आरजेडी के साथ गए और फिर वापस बीजेपी के साथ है। तो आपको उनका किन के साथ रहना अच्छा लगा? बीजेपी में उनका रहना काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि वो हमारे केंद्र सरकार हैं, इसीलिए। तो आप भी मानते हैं कि केंद्र और राज्य में एक एक पार्टी की सरकार रहती है तो ज़्यादा बेहतर होता है? ज़्यादा बेहतर रहता है। तो अगर आपके जैसे सब सोचने लगे तब तो हो गया। ये लोकतंत्र रह ही नहीं जाएगा, इसमें विपक्ष बचेगा ही नहीं। हाँ बिल्कुल। चलिए हमारा अगला सवाल है, बिहार सरकार की भी एक महत्वपूर्ण योजना रही है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, इसके बारे में तो आप जानते होंगे। बिल्कुल पता। तो क्या मतलब आपको लगा कि इससे क्या फ़ायदा हुआ है छात्रों को? हाँ, ये कुछ हद तक छात्रों को इससे बहुत फ़ायदा मिला है, लेकिन बहुत लोग इस चीज़ से अनजान है और नहीं भी जानते। कुछ लोग इस चीज़ का यूज करना नहीं जानते और यूज करते भी नहीं, तो यही बात है। और कुछ वो सरकारी सिस्टम का भी फेलवर बोल सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। और सरकारी सिस्टम का फेलवर तो है ही है, क्योंकि कुछ लोगों को नहीं मिल पाता है। मिलने के बाद भी वो हज़ारों कागजात पे साइन करवाने पड़ते हैं और कहाँ उसको भेजना पड़ता है और पता नहीं कब पैसे वापस आते हैं। बिल्कुल, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का सवाल हमने इसलिए भी उठाया है क्योंकि हाल ही में हमारे पेज पे कुछ युवाओं की ओर से शिकायत ये दिया गया था कि जैसे कि मुझे वो कार्ड इशू कर दिया गया है लेकिन बैंक लोन नहीं दे रहा है। कार्ड तो दे देती है बट वो बैंक लोन नहीं दे पाती है स्टूडेंट को सही तरीके से। तो उस समय भी हमने इस मुद्दे को उठाने का सोचा था लेकिन किसी कारण अभी तक तो यूज नहीं किया इस चीज का। चलिए अब आपसे एकदम शानदार सवाल पूछते हैं जो कि प्रत्येक सीतामढ़ी वासी की सुनना चाहते हैं। आप सीतामढ़ी में रहते हैं? जी हाँ। सीतामढ़ी में जन्मे हैं, है ना? बिल्कुल। तो कोई एक खूबसूरत सा बात बताइए यहाँ का, सबसे अच्छा जो आपको लगता है कि आप गर्व से कहते किसी को भी, हाँ सीतामढ़ी में हम रहते हैं क्योंकि यहाँ ये है वो है, क्या? सीतामढ़ी एक बहुत ही शांत एरिया है, ये मतलब एक भगवान के नाम पे ही बना हुआ है, ठीक है। यहाँ माँ सीता का जन्म हुआ है और ये बहुत ही सुंदर पैलेस है। सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि आप कहीं भी चले जाइए वहाँ का पानी आपको शुद्ध नहीं मिलेगा, लेकिन सीतामढ़ी का पानी जैसा कहीं का पानी नहीं। हाँ, वो है हमारा मिथिला का पानी जो है वो बहुत ही शीतल पानी माना जाता है। चलिए ठीक है, अब आपसे ये सवाल ये है, विकास के मुद्दे पर अब हम आते हैं। सीतामढ़ी की जिस प्रकार से धीमी विकास गति है उस प्रकार तो काफ़ी दिन लगेगा हमारे सीतामढ़ी को कोलकाता और पटना से तुलना करने में। तो सबसे पहले ये है कि सीतामढ़ी के विकास से आप संतुष्ट हैं क्या? सीतामढ़ी का विकास से मैं संतुष्ट तो नहीं हूँ, लेकिन सीतामढ़ी के कुछ लोगों से ये कहना चाहूँगा कि कुछ लोग होते हैं कि वो अपना पढ़ाई सड़ाई करते हैं लेकिन वो चाहते हैं कि हम अपने एरिया को डेवलप ना करके दूसरे एरिया में जाके वो वर्क शुरू कर देते हैं, तो ये उनकी सबसे बड़ी डिमेरिट है। उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो भले किसी भी कंपनी में काम करे लेकिन वो सीतामढ़ी के बारे में ज़रूर सोचे और डेवलपमेंट के बारे में ज़रूर सोचे। आपके मुताबिक वो जो ये मतलब पढ़ लिख लेते हैं, हाँ, फिर उसके बाद बाहर जाकर नौकरी कर लेते हैं, हाँ, इससे हमारे सीतामढ़ी के अंदर का कुछ कमी आती है? कमी आ ही जाती है, कितनी भी बड़ी आदमी बन जाए लेकिन ये कमी रह जाती है कि यहाँ कुछ लोग नहीं है, वो वैसे लोग ही नहीं है जो इस चीज़ को डेवलप कर सके। मैं अपने कैमरा पर्सन चंदन कुमार को बोलना चाहूँगा कि वो दर्शकों के कमेंट हमें पढ़कर बताते रहें, अगर किसी दर्शक से लाइव प्रसारण हो रहा है कि हो रहा है, कितने लोग देख रहे हैं लगभग? चलिए ठीक है, आपके हिसाब से सीतामढ़ी में ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको लगता है कि यह
जरूर होना चाहिए, मतलब वो है नहीं अपने शहर में, लेकिन कहीं आपने बाहर गया हो या कभी ऐसे ही मन में ख्याल आया हो कि यार ये अपने शहर में नहीं है, तो ऐसा क्या चीज़ है? ऐसा चीज़ है यहाँ एक, मतलब हर सिटी में होता है कि कुछ न कुछ एक बड़ा कारोबार होता है जिससे सिटी को राहत मिलती है, जिससे रोजगारी के लिए। अच्छा, रोजगारी के लिए, रोजगारी के लिए, या तो इसको यहां, पलायन से भी जोड़ा जा सकता है। पलायन से भी जोड़ा जाता है यहाँ तो है, बस एक ही आप समझिए कि वो एक शुगर फैक्ट्री है जिसे चीनी मिल बोलते हैं, वो भी 6 महीने खुलती है और 6 महीने बंद ही रहती है, बंद रहती है, यही बात है, तो इससे कैसे होगा? जैसे अभी पिछले विधानसभा सत्र में रीगा चीनी मिल का मुद्दा उठाया गया था बिहार में, तो उसके बाद गन्ना मंत्री की ओर से लिखित रूप में वो संसद में विधानसभा में वो आश्वासन दिया गया था कि रीगा शुगर मिल को चालू किया जाएगा, और पिछले महीने की या इस महीने की किसी तारीख को वो उसका उद्घाटन किया गया था, इसी महीने की कुछ 7-8 तारीख को शायद उद्घाटन किया गया था। तो ये भी है सीतामढ़ी के विकास में, ये सबसे बड़ा रोड़ा है कि हमारे पास होते हुए भी कुछ नहीं होता है। चलिए अब एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल है जो कि हर आदमी इसका जवाब शायद देना चाहे या हर आदमी सोचता कल्पना करता हो देने का और बोलता भी है आपस बोलता में, भी है आपस हाँ। में कि मैं कुछ हाँ तो मैं करना सबसे पहले आपसे सवाल ये पूछूंगा इस मुद्दे पे कि अगर आप सीतामढ़ी के जिला पदाधिकारी बना दिए जाते हैं या होते हैं, पढ़ लिख कर बन गए होते हैं और सीतामढ़ी आकर आपको सेवा करने का मौका मिलता तो क्या आप जिला में सबसे पहले करते हैं, क्या हमारे जिला को देखते सबसे पहले? तो यहाँ की कुछ दफ्तरें हैं वो ठीक से चल नहीं पा रही है, सरकारी दफ्तर जी हाँ, सरकारी दफ्तर की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट तो आखिर वो प्राइवेट को तो मजबूरी होता है अपने काम करने से, और सरकारी दफ्तरें चल नहीं पा रही है, उन सब में क्या होना क्या चाहिए सिस्टम? कोई भी एक सपोज डैट कि एक मूवी आया था, नायक मूवी आया था, उनको भी एक दिन के लिए वो क्या सीएम बनाया गया? वैसे नायक मूवी मेरा बहुत ही फेवरेट है, मैं बता दूं यहाँ पे तो वही बनाया गया था, तो उसमें भी कुछ ज़्यादा नहीं हुआ था, बस टेक्निकल चीज़ यूज हुए थे। अगर सपोज डैट कि उस टाइम टेक्निकल चीज़ नहीं यूज हुआ रहता तो क्या वो एक दिन में कुछ कर पाते हैं? बिल्कुल नहीं कर पाते हैं। तो यही बात यहाँ होती है कि अगर सरकारी दफ्तरे में कोई कुछ टेक्निकल चीज़ लगा दिया जाए, जैसे कि मॉल वगैरह में होता है, अगर कोई वर्कर अंदर जाता है तो अपना थंब देख करके जाता है, मतलब बायोमेट्रिक अटेंडेंस की बात कर रहे हैं, अटेंडेंस की बात कर रहे हैं, वो आए तब भी लगा के जाए वो थंब, मतलब जो सरकारी कर्मचारी जो अपने काम में जो चोरी का वो करते हैं वो करते हैं, वो उनके लिए इनका ये सुझाव है कि बायोमेट्रिक लगाया जाए। वैसे सरकारी दफ्तरों में धीरे धीरे लग रहा है, और ये नीतीश जी ने तो ये बोला भी है कि अब शिक्षा विभाग में भी लगाया जाएगा, तो वो भी धीरे धीरे हो जाएगा। अच्छा ये बताइए कि आपने पढ़ाई कितने तक की है? पढ़ाई तो अभी 12th तक किया है मैंने। अभी 12th तक किया, 12th का एग्ज़ाम दे चुके हैं? नहीं नहीं, 12th का एग्ज़ाम नहीं दिया हूँ अभी तक, 10th का तो एग्ज़ाम दिए होंगे। हाँ बिल्कुल, 10th बिहार बोर्ड से या CBSE से? 10th तो CBSE बोर्ड से था, एक्चुअली मैं दोनों को कॉमन समझता हूँ, ठीक है, दोनों में स्टूडेंट में एबिलिटी होते हैं। मैं जब 9th में था तो वहाँ तक तो मैं एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ा जो कि गवर्नमेंट स्कूल होती है, उसमें पढ़ा, फिर उसके बाद मैं सोचा कि मेरी ना यहाँ तो मुझे बचपन से शौक रहा है कि मुझे इंग्लिश स्किल सही करना है, ठीक है, तो मैं सोचा कि एक क्यों ना CBSE स्कूल में एडमिशन लिया जाए ताकि मैं मेरी इंग्लिश काफ़ी अच्छी हो जाएगी। फिर वहाँ भी गया तो माहौल वैसा मिल नहीं पाया, तो हमने एक अलग से ट्यूशन पकड़ लिया स्पोकन की, वहाँ से मैंने इंग्लिश सीखी, और यही बात है कि इसीलिए वो दोनों कॉमन लगता है मुझे, कुछ ज़्यादा नहीं। बिहार बोर्ड में जब इंटरमीडिएट में नाम आपने नामांकन कराया होगा तो उस वक्त तो आपको कक्षा संचालन में काफ़ी दिक्कत हुई होगी, कक्षा संचालन के आपके कॉलेज में हुआ? हाँ बिल्कुल, कक्षा संचालन हुआ आपके कॉलेज में। किस कॉलेज से आप पढ़े भाई? कॉलेज नहीं, एक्चुअली ये स्कूल ही है कॉलेज, ये सेक्रेड हार्ट स्कूल है। 10वीं तक का ना? 10वीं तक का, 11th में भी उसी में रहा मैं। अच्छा 11th में भी आप उसी में रहे, तब तो कोई बात ही नहीं है। हाँ। वरना बिहार में तो हमको लगता नहीं है कि सीतामढ़ी में किसी कॉलेज में कक्षा का संचालन होता है। बिल्कुल बिल्कुल। एक सवाल और है, ये शायद नया सवाल है, ठीक है इसमें कोई मिश्रण ना हो। बात ये है कि मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या हमारे सिलेबस में, पढ़ाई के सिलेबस में बेसिक तौर पर इंटरनेट की जानकारी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? क्या लगता है कि हमारा समाज अभी तैयार नहीं हुआ है इसको लेकर? नहीं नहीं, समाज तैयार नहीं हुआ है इस चीज़ को लेकर के, एक्चुअली इस चीज़ को होना चाहिए था, मतलब ज़रूर होना चाहिए है ना।
क्योंकि यही एक चीज़ है जिससे हम कुछ भी सीख सकते हैं समय से पहले, समय से पहले, और आने वाले जो दिन है वो भी इंटरनेट दुनिया का दिन ही होगा। अब सब कुछ ऑनलाइन हो रही है, सरकार की वेबसाइट ऑनलाइन हो चुकी है, आप ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हैं, चिट्ठी पत्र का जमाना ख़त्म हो रहा है, अब तार सेवा भी हमारे देश में बंद ही हो चुकी है, बंद ही हो गई है, डाक विभाग एक लेदे के बचा है। चलिए आपसे अगला सवाल है, ये सवाल तो मेरे ख्याल से सीतामढ़ी नहीं पे देशवासी पूछना चाहेंगे इन सवाल को। ये सवाल ऐसा है कि सवाल से हम ये पूछना चाह रहे हैं इनसे कि आप इंटरनेट स्पीड देख रहे होंगे कि सीतामढ़ी में इंटरनेट, अभी हम लाइव कर रहे थे तो काफ़ी देर तक इंटरनेट की समस्या उपलब्ध रही यहाँ पे, तो ये सवाल एकदम महत्वपूर्ण है कि सीतामढ़ी में जो इंटरनेट स्पीड है आपका वो यहाँ तो रहता है शहरों में, ठीक है ना, लेकिन जब आप गांव ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ 4G से 3G पे आ जाता है प्रखंड लेवल पे, और जब गांव में पहुँचते हैं तो वहाँ पे 2G ही सिर्फ आपको मिल पाता है। कई गांव का मैंने दौरा किया है न्यूज़ कवर के दौरान, और इस बात का वो मैं जीता जाता उदाहरण हूँ, ठीक है, मैंने कई बार झेला भी है। तो क्या इस पर आप कहना चाहते हैं, सरकार को क्या एक्शन लेना चाहिए? सरकार को एक्शन लेना चाहिए कि गाँव में कुछ नेटवर्क है, हालांकि इसके लिए ये हाल ही में सुशील मोदी जी ने इसकी जानकारी दी है कि गांव में तेज ब्रॉडबैंड से जोड़ा जाएगा, लेकिन वो जोड़ा जाएगा, लेकिन फिलहाल वर्तमान में इतने दिन से जब शहर में ये प्राइवेट कंपनियां खुद से अपना टावर लगा लेती है तो गांव में क्या समस्या है, मतलब गाँव के लोगों को भी तो आखिर मिलना चाहिए ना। जी, आप भी खुद ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, आपको भी समस्या हुई होगी। हाँ, समस्या हुई, कहना ये है कि यहाँ तो अभी 4G आ चुकी है और कब से चल रही है, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि वो 4G है, लेकिन 4G वो, मैं कहना चाहूँगा कि वो बिल्कुल भी 4G बिल्कुल नहीं है, वो स्पीड 3G का स्पीड है। आप लोग एक ऐप आता है नेट वेलोसिटी, वो आप डाउनलोड करके और वहाँ से चेक कर लीजिए, वो 3G का स्पीड दे रहा है, आपको 4G का स्पीड नहीं दे रहा है। 4G का स्पीड होता क्या है, अगर 2 Mbps से आपको एक पर सेकेंड में ज़्यादा मिलता है तो उसको 4G बोलते हैं। यहाँ मैं ऋतिक वर्जन जी का जनरल नॉलेज वो तेज कर दूँ कि हमारे देश में 3G स्पीड की जो सीमा है वो 21 Mbps निर्धारित की गई है। हाँ। और 21 Mbps से जो भी ऊपर चलेगी वो 4G स्पीड कहलाएगी, और LTE स्पीड इससे भी हाई क्वालिटी की होती है, लेकिन हमारा देश जो है वो जिस प्रकार से उलझा हुआ है इस इंटरनेट स्पीड में, मुझे नहीं लगता कि अभी मिजाज इससे मिलेगा। बिल्कुल, तो गांव में आप जियो तो चलाते होंगे? बिल्कुल चलाते हैं, अभी गांव तो में अभी सब जियो चला ही रहा है। हाँ। तो क्या लगता है आपको कि ये जियो एक नया क्रांति लेकर के आया क्या हमारे इंटरनेट? हाँ, बिल्कुल लेकर आया ही है ये जियो, एक्चुअली चल रही है बहुत अच्छे से चल रही है, और गांव-गांव तक चल जाता है। इससे युवा जो इंटरनेट नहीं चला रहे थे वो भी चलाने लगा, ऐसा सुनने में आया, लग रहा है आपको? हाँ हाँ बिल्कुल। चलिए, हमारे सवाल का जवाब तो ख़त्म हो गया, अगर आप कुछ अपने ओर से कुछ, आप सुने थे कि आप कुछ पंक्ति लिख कर लाए हैं वो? पंक्ति नहीं लिखकर, बस एक लाइन कहना चाहूँगा। हाँ, तो कहिए हमारे दर्शकों से। ये लाइन बस हर एक इंसान के लाइफ पे है, ठीक है, आगे आप कैमरा में देख के बोलिए। इंसान के लाइफ पे है, जैसे कहा जाता है कि 1 रुपया कभी 1 लाख नहीं हो सकता है, ठीक है, 1 रुपया कभी भी 1 लाख नहीं होगा, किसी भी कीमत पे नहीं होगा, लेकिन 1 लाख में से भी हम अगर 1 रुपया हटा देते हैं तो वो भी 1 लाख नहीं रह जाएगा। तो हमारी ज़िंदगी कुछ इसी तरह है, किसी भी चीज़ को मिस ना करें, ज़िंदगी में से हर चीज़ को इंजॉय करें और अच्छे से करें, किसी चीज़ में अगर लगन है तो उसको पूरा करके रहें, बस यही कहना चाहूँगा, और अपने ही बल पे करें, किसी और के बल पे नहीं। धन्यवाद ऋतिक जी इतनी सुंदर लाइन देने के लिए, और हमारे इंटरव्यू का भी समाप्त हो गया वक्त। तो ये थे ऋतिक वर्धन जी जो डुमरा के निवासी हैं और एक युवा होने के साथ साथ वेबसाइट भी बनाते हैं, अगर आपको भी कोई वेबसाइट वगैरह बनवाना हो तो मुझसे संपर्क करें, मैं इनको रेफ़र करूँगा। बिल्कुल, ठीक है। और ये भी मैं बताना चाहूँगा जाते जाते कि लाइव इंटरव्यू का जो हमारा शो है वो प्रत्येक रविवार को ही सिर्फ होगा, ठीक है, अगर आप लोग भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोगों ने मुझे वो पर्सनली SMS किया है और बहुत सारे लोगों ने कॉल भी किया है, तो मैं उन सबको यही बताना चाहूँगा कि आपको लाइव इंटरव्यू में आना है तो लाइव इंटरव्यू सभी के लिए है, कोई एक के लिए नहीं है, ये चिंता मत करें, समय जैसे जैसे सबको मिलेगा। मैं बोलना चाहूँगा सीतामढ़ी लाइव से, समय समय पर आप आते रहिए, ठीक है, और हम प्रत्येक रविवार का दिन निर्धारित करेंगे। अब मिलेंगे अगले रविवार को यानी 31 दिसंबर को।
तो तब तक के लिए हमारा सीतामढ़ी लाइव देखते रहिए। जाते जाते ऋतिक वर्धन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक बार उनको फिर से सुन लेते हैं। सीतामढ़ी लाइव, सीतामढ़ी में एक क्रांतिकारी क्या बोलते हैं इसको, ये ऐप है या फिर उसको पेज बोलिए तो अच्छा लगेगा आपको, या फिर न्यूज़ मीडिया कंपनी, ठीक है। ये बहुत ही रिस्पॉन्सिव है और क्या कहने हैं हम, मुझे ना ये इस चीज़ का जानकारी रात को 2 बजे मिली, मैं तो चौंक गया कि यार सच में मतलब लाइव में आना है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि सीतामढ़ी में पहली बार कुछ ऐसा हुआ है जो मेरे साथ हुआ है। एक्चुअली मैं उस रात जग रहा था काफ़ी देर रात तक, और हाँ। मैं यही सोच रहा था कि किसको बुलाया जाए सबसे पहले। एक्चुअली में उस समय हमारे पास कुछ ज़्यादा लोग मौजूद नहीं थे आने के लिए, ठीक है, लेकिन ये शो जब मैंने लॉन्च कर दिया तो उसके बाद काफ़ी लोगों का वो आया, प्रतिक्रिया आया, और हम सबको लेंगे साथ लाइव। आप भी आइए हमारे साथ, जुड़िए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, आप मुझे SMS कर सकते हैं, आप पेज को मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे पर्सनली जानते हैं तो पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आप सबका स्वागत है, अब मिलते हैं अगले रविवार को। मैं अपने कैमरा पर्सन से बोलूँगा कि वो ऑफ़ करें।